विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। शुक्रवार को एक बार फिर बिहार विधानसभा की बैठक के शुरू होने से पहले लेफ्ट का प्रदर्शन नजर आया। भाकपा माले के विधायकों ने बढ़ती महंगाई, मृत रसोइयों का अनुग्रह अनुदान बंद कराने, क्वारंटीन सेंटरों में काम करने वाले रसोइयों के बकाए का भुगतान करने, मध्याह्न भोजन योजना को एनजीओ के हवाले नहीं करने, कैंप लगाकर रसोइयों को नियुक्ति पद प्रदान करने, रसोइयों को सरकारी कर्मी का दर्जा देने सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। माले विधायकों ने कहा कि स्कूलों में खाना बनाने वाली रसोइयों ने सरकार के खिलाफ जो आंदोलन शुरू किया है उसका भाकपा माले पुरजोर समर्थन करता है। उन्होंने सरकार से मांग रखी कि रसोइयों के मानदेय को 1500 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जाए और सरकार उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा दे। माले विधायकों ने मिड डे मील योजना को एनजीओ के हवाले सौंपने वाली सरकार की योजना का पुरजोर विरोध किया है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में सरकार की तरफ से बिहार विनियोग विधेयक 2021 पेश किया जाएगा। सदन की कार्यवाही 11 बजे प्रश्नोत्तर काल के साथ शुरू हुई। सबसे पहले अल्पसूचित प्रश्नों पर सरकार ने जवाब दिया, उसके बाद तारांकित प्रश्न किए गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।